नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ, जहां हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले सूबे के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का एक वीडियो चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि नामांकन भरने के लिए जाते वक्त लखमा पुलिस से बहस कर रहे हैं और फिर बाद में उन्हें पुलिस की तरफ से चेतावनी दी गई। बस्तर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी लखेश्वर बघेल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं न तो भूपेश बघेल का हूं और ना ही टीएस सिंहदेव का हूं, मैं हूं तो सिर्फ कांग्रेस का। कांग्रेस उम्मीदवार के मुताबिक बीजेपी प्रत्याशी मनीराम कश्यप सरपंच, जनपद और जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। वहां की जनता उन्हें खोज रही है। हमें उन्होंने बताया है कि हमने फ्लोराइड की समस्या से निजात दिलाने की पहल की है। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान CIMS की बदहाली और अव्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट में दशहरा पर्व पर छुट्टी के दिन भी सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डिवीजन बेंच ने कलेक्ट्रेट और उनकी रिपोर्ट और साथ ही तस्वीरों को देखकर नाराजगी जताई है। अधीक्षक डॉक्टर नीरज शेंडे को भी हटा दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने सिम्स में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल जानने के लिए तीन वकील सूर्या कवलकर डांगी, संघर्ष पांडे और अपूर्वा त्रिपाठी को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। उन्हें स्वास्थ्य संचालक पी दयानंद के साथ 26 और 27 अक्टूबर को सिम्स का निरीक्षण कर हाईकोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। केस की सुनवाई 1 नवंबर को होगी। रायपुर के अलग अलग इलाकों में कई बड़े छोटे रावण का दहन किया गया। इनमें से एक रावण का दहन रायपुर SSP प्रशांत अग्रवाल ने किया। ये रावण साइबर ठगी के रावण के रूप में बनाया गया था, जिसे रायपुर के पुलिस लाइन में आतिशबाजी के साथ जलाया गया। इस अवसर पर पुलिस के आला अफसरों समेत आम नागरिक भी उपस्थित रहे। जिले की साइबर पुलिस ने लोगों को साइबर अपराध से बचाने और जागरूक करने के लिए रायपुर के तेली बांदा स्थित मरीन ड्राइव, जयस्तंभ चौक और कोतवाली के पास साइबर ठग रूपी रावण का पुतला बनवाया था और उसे दहन किया गया। छत्तीसगढ़ की खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।